भारतीय नमो संघ राष्ट्र सेवा सामाजिक संगठन महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष साध्वी सविता समोना दास ने कहा कि पूरे जनपद को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्ति अभियान शासन व प्रशासन के साथ मिलकर व जगह जगह कैंपेन चलाकर किया जाएगा। जेलचुंगी बेरीबाग स्थित एक सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में नवनिर्वाचित साध्वी सविता समोना दास ने कहा कि किसी भी महिला का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी महिला को अगर कोई भी परेशानी है तो वह तुरंत उनसे आकर संपर्क कर सकती है। साध्वी सविता समोना दास ने कहा कि हम जनपद से एक कैंपेन जल्द ही स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का कार्य करेंगे। इसके अलावा नशे का जो भी कारोबार जनपद में चल रहा है उसकी रोकथाम का भी काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारतीय नमो संघ राष्ट्र सेवा सामाजिक संगठन में नई कमेटी का गठन पूरे जनपद में कार्यकारिणी गठित की जाएगी। हमारा नाम साध्वी सविता जमुना दास है। हम अखाड़ा राम दिगंबर से महात्यागी नागा साध्वी हैं और संत सुरक्षा मिशन से राष्ट्रीय महिला उपाध्यक्ष हैं संत प्रकोष्ठ से। हम एक तो सामाजिक व्यवस्था को लेकर के भी और अभी अभी हमें एक पद से जो भारत की सेवा के लिए हमें चुना गया है सहारनपुर के लिए भारतीय नमो संघ से जिला अध्यक्ष का जो पदभार हमें मिला है उसके लिए हम कृतकृत्य हैं कि हमें अपने देश संस्कृति और हमारे राष्ट्र की सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। तो हमारा मूलतः जो समाज के अंदर रहना है तो इसकी सेवा करना हमारा प्रथम उद्देश्य बनता है क्योंकि समाज से ये देश है, राष्ट्र है। हम समाज के अंदर जिस प्रकार की परंपराओं को, मान्यताओं को, व्यवस्थाओं को बनाएंगे ऐसा ही हमारा राष्ट्र बनेगा। और शांति व्याप्त होना सबसे बड़ा हमारा एक स्थापित करना मुख्य उद्देश्य है कि समाज के अंदर हम एक समानता लेके आएं और इस जातिवाद को हम बंद करें। ये जातिवाद जो फैला हुआ है इससे भी हमारे देश में बहुत सारी कुरूतियाँ हो रही है, व्यवस्था में जो परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये जातिवाद को हम जो उच्चता और नीचता का स्तर है इसे बिल्कुल समाप्त करना, बिल्कुल एक जहर पिलाया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी संस्कारों का एक हनन हो रहा है, दोष है हम लोगों का क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हम लोग बौद्धिक ज्ञान नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा की कमी है क्योंकि पहले हमारे शिक्षा में लगता था एक नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम लगता था। आज की जो शिक्षा है पाश्चात्य शिक्षा यह मुख्यतः इस नशे की तरफ जो बच्चों को प्रेरित करती है और ये जो पिक्चरों में देखते हैं ना बच्चे एक पाश्चात्य संस्कृति की तरफ उधर ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उड़ान को देख करके ये हीरो को देखते हैं, ऐसे हैं उनको बनने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा शिक्षा भी इसके लिए दोषी है कि हम लोग अगर गुरुकुल की व्यवस्थाओं को अपनाएं तो ये नशा मुक्ति का जो हमारा आने वाला भविष्य है इसमें आएगा ही नहीं। यहाँ जेलचुंगी पे चले जाइए या वहाँ पर मैं इस्लामिक उधर चले जाइए, इधर कहीं भी किसी भी क्षेत्र पे, कहने का मतलब पर्टिकुलर एक एरिया के लिए नहीं कह रहे हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं साठ गांठ के तहत ही है ये नशा जो है फैलाया जा रहा है, हमारे देश में जहर बेचा जा रहा है। क्यों नहीं हम ऐसे ही कुछ जैसे आप लोग भाई सब बंधु सब बच्चे एकत्र होकर के आए हो, अगर आप लोग भी इसमें साथ दें तो क्यों ना एक अभियान चलाया जाए और इस प्रकार के कुछ पाठ्यक्रम चलाए जाएं जिसमें बच्चों को, जो गरीब बच्चे ये भटक गए हैं उन बच्चों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है, मानसिक भी और उनका शारीरिक भी शोषण हो रहा है, बौद्धिक विकास रुक रहा है, कहीं चोरी में आ रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो शोषित हो रहे हैं उन बच्चों को हम लोग चाहें तो उन लोगों को सुधार भी सकते हैं। ऐसा अभियान हम लोग मिलजुल कर कुछ संस्थाएं आगे आएँ तो ऐसा अभियान चला करके हम इस कुरीति से जल्द ही छुटकारा पा सकते हैं और इस जहर से छुटकारा पाना हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।